भारत सरकार का फैसला, नए सिरे से लिखा जाएगा सीमाओं का इतिहास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता पठारे और आप देख रहे हैं न्यूज इनवाइटेड। भारत की सीमाओं का इतिहास अब नए सिरे से लिखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अपनी तरह की इस पहली परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश की सीमाओं के इतिहास को कलमबद्ध किया जाना है। सरकार की इस परियोजना में सीमा पहचान करना, सीमांकन बदलाव, सुरक्षा बलों और सीमा पर रहने वाले लोगों की भूमिका, उनकी संस्कृति और उनकी जिंदगी के सामाजिक और आर्थिक आयामों को शामिल करने समेत विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा। इस परियोजना को 2 साल के भीतर पूरा भी कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री की आधिकारिक बैठक में क्या क्या हुआ जानते हैं। बुधवार को यहां रक्षा मंत्री ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अधिकारियों, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, अभिलेखागार, निर्देशालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक की। बैठक में सीमाओं का इतिहास लिखने के काम में सीमाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा है कि नए सिरे से सीमाओं के इतिहास लिखने से लोगों तथा विशेष रूप से अधिकारियों को देश की सीमाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। भारत की 14,000 किलोमीटर लंबी सीमा है। गौरतलब है कि भारत की 14,000 जो किलोमीटर सीमा है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरी हुई है। वहीं समुद्री क्षेत्र की बात करें तो श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव से भी सटी हुई है। इतिहास के अनेकों दौरे में यह सीमाएं नए सिरे से खींची जा रही है। इस परियोजना के लिए रक्षा मंत्री ही बजट का आवंटन करेंगे और मंत्रालय ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान NMML को इस परियोजना की नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। आज के न्यूज़ में अपडेट में इतना ही था। दिन में बने रहिए एनएस न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ एक से बढ़कर एक वीडियोस के लिए। थैंक यू। गुड डे।